हेलो फ्रेंड, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजस्थानी व्यंजन। तो फिर से मैं ले आया हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, उपमा। उपमा कैसे बनाएं मैं आपको यह सिखाऊंगा आज, जिसके लिए मैंने 150 ग्राम सूजी ली है, जिसको उपमा भी बोलते हैं, उपमा रवा भी बोलते हैं। और दो प्याज मैंने काट के छोटे छोटे कर दिए हैं, और कैरेट भी लिए, कैरेट जिसको अपन हिंदी में गाजर बोलते हैं। ये हरी मिर्च भी ले लिए 2-3 मीस, इसको लंबे से काट दिए हैं। मीठा नीम के पत्ते लिए हैं, जिसको केरा पाक भी बोलते हैं। और ये देखिए, ये फली लिए हैं थोड़ी सी, छोटी कटोरी। और ये फ्रेंड देखिए, मैंने ये चना दाल, सरसों और उड़द दाल, ये तीनों का मिक्सर में कर दिया है, जो अपन छोंक में काम आएगा अपने लिए, फटाफट बनने वाला 5 मिनट में, जो जल्दी आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका नाश्ता भी बनकर तैयार हो जाएगा। ये नाश्ता उनके लिए है जो सुबह सुबह बच्चों का टिफिन बनाने के लिए दिक्कत हो रहा है। आप सुबह सुबह बच्चों का टिफिन भी फटाफट बना के बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। तो फ्रेंड शुरू करते हैं अपना उपमा बनाने का रेसिपी। तो फ्रेंड सबसे पहले गैस स्टार्ट करेंगे और ये पैन लेंगे, साइड में थोड़ा मैंने गर्म पानी भी ले लिया फ्रेंड उपमा में डालने के लिए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले ऑयल डालेंगे पैन में। ऑयल देखिए आप, थोड़ा सा डालना है उपमा में। थोड़ा तेल डाल के थोड़ा फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, थोड़ा सूजी को पैन में सेकेंगे। देखिए फ्रेंड, सूजी अपना सिक चुका है, अब इसको अलग से साइड में रख देंगे। फिर से पैन लेंगे, उसमें फिर से ऑयल डालना पड़ेगा थोड़ा। उसमें प्याज और कैरेट, हरी मिर्ची फ्राई करने के लिए डालेंगे। अब देख सकते हैं मैंने कितना ऑयल लिया है। गैस को फिर मीडियम रखना है। देखिए फ्रेंड, जो मैंने मिक्सर लिया था, वही चना दाल, उड़द दाल, सरसों, उसको डाल देंगे सबसे पहले और थोड़ी देर हिलाएंगे। देखिए फ्रेंड, प्याज भी डाल दिया मैंने। गैस को थोड़ा कम कर देंगे और हरी मिर्ची है वो भी डाल देंगे। एक करी पत्ता भी डाल देंगे। फ्रेंड देखो, ये गाजर भी डाल देंगे अपन, ये फली भी डाल देंगे फ्रेंड्स। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। और फ्रेंड मेरे वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड, प्लीज प्लीज पूरा देखिए वीडियो को फ्रेंड्स, ताकि मैं अपनी नई रेसिपी लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊं, नहीं तो आप पूरा नहीं देखेंगे, दिल टूट जुड़ जाएगा फ्रेंड। फ्रेंड देखो, 2-3 काजू लिया है, वो भी उसमें मिला देंगे फ्रेंड्स। अपना उपमा में 4 चांद लग जाएंगे। देखिए फ्रेंड, अपना प्याज और गाजर थोड़ा थोड़ा पकने लग गया है, थोड़ा और पकाएंगे इनको। देखिए फ्रेंड, अपनी सब्जी पक चुकी है। अभी इसमें अपने सूजी फ्राई की थी वो उसमें मिला देंगे, पूरा डाल देंगे फ्रेंड। ये सूजी है, इसमें ज़्यादा पानी डाले तो भी कुछ नहीं, पानी ज़्यादा सोखती है सूजी। ये फ्रेंड मैंने 2 गिलास डालूँगा फ्रेंड, 2 गिलास पानी डाल रहा हूँ, गर्म पानी, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं 2 गिलास डाल रहा हूँ। और फ्रेंड उपमा में गर्म पानी डालना, ठंडा पानी नहीं, गर्म करके रख देना पहले से ही। फ्रेंड देखो, 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। गैस को मीडियम रखेंगे।
देखिए फ्रेंड अपना उपमा बनने के लिए तैयार हो रहा है। फ्रेंड थोड़ा धनिया पत्ता भी डाल देंगे, अच्छा टेस्ट आता है उससे, उपमा में खुशबू आ जाएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड अपना उपमा रेडी हो चुका है। तेल छोड़ने लगा है उपमा में, देखो तेल निकलने लग गया है, इसका मतलब उपमा बनके तैयार हो चुका है फ्रेंड। तो हम अपना गैस बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड हमारा उपमा रेडी हो चुका है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड, मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि उपमा रेसिपी आपको कैसा लगा है। इसलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ, चटपटी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, ओके।